130 चलेंगे भाई। भाई घर भी जाना है अभी। LTD हटाने का ये सबसे बड़ा नुकसान रहता है, पानी उड़ जाता है भाई। भाई फर्स्ट गियर में देखो कितने जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड टेस्ट करेंगे। अड़तालीस पे लिमिट रहा भाई, धीरे धीरे मॉडिफाइड करने में। यकीन नहीं आता तो मेरी सबसे पुरानी वीडियो देखो, सबसे फर्स्ट वाली वीडियो, तब कैसी थी और अब कैसी होगी भाई। तो भाई कल है भाई संडे, और कल करेंगे भाई संडे राइड, देखते हैं कल का कैसा ब्लॉग होगा। और ये गई गाड़ी भाई अपनी निकलती हुई, ये लगा ट्रक के साइड में ओवर टेक। नाके लग रहे हैं यार, नाके लग रहे हैं। गाड़ी करते हैं अंदर भाई। ओ भाई अड़ जाती है भाई यहाँ पर आकर तो, और सुबह को निकलेंगे भाई यहाँ से, बेहतरीन बॉम्ब सब लोग करेंगे। और 31 किलोमीटर गाड़ी मैंने चला रखी है, यानी कि तेल की तो इसकी ऐसी हस्ते सी मार रखी है। अभी 2.5 लीटर तेल डाला है भाई, जुगाड़ पानी करके, उसमें से मैंने लगभग 1 लीटर आज में उड़ा दिया। 1.5 लीटर में देखते हैं कितना माइलेज निकालेगी, कितनी भगेगी हमारी गाड़ी, देखते हैं भाई क्या सीन रहने वाला है। भाई सब बहुत हैवी है। The next day, भाई पहले मैं टायर अपने गर्म कर लेता हूँ, क्योंकि भाई वरना बाद में बहुत दिक्कत आ जानी है। और इसी के साथ इंट्रो भी दे देते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? तो भाई मैं हूँ आपका दोस्त आरिफ सैफी, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरिफ सैफी ब्लॉग्स। तो भगाते हैं भाई गाड़ी को। वैसे मैंने ये सोचा था कि मैं पहले टायर अपना गर्म कर लूँ, और यहाँ पर आएगा बम्प बहुत तगड़ा ऐसी जगह पर। भाई मुझे अपना हैंडल पूरा टाइट करके रखना पड़ता है, क्योंकि भाई एकदम जो ना सारा सिस्टम बेकार हो जाता है। सिस्टम बहुत कर रहा हूँ मैं भी आजकल, पता नहीं क्या बात है। उधर साइड से देखेंगे भाई गाड़ी को कैसे लाए हम खींच के, क्योंकि भाई इधर साइड से मैं चेक कर रहा हूँ रोड पे क्या है, कितना भीड़ वगैरह कुछ है तो नहीं ज़्यादा, या कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। उधर साइड से देखेंगे, अगर गाड़ी में भगाऊंगा भी तो उधर साइड से देख लेंगे। और मेरे नी गार्ड कुछ ज़्यादा नीचे हो गया। ओ भाई साहब, इसकी फेयरिंग इतनी वाइब्रेट करती है ना भाई, PS3 की बहुत ज़्यादा वाइब्रेट मार रही है इसकी फेयरिंग। और रोड भी बढ़िया है, तो इस हिसाब से 70-80 कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा और लीन होता ना तो गाड़ी बहुत बढ़िया लीन होती यार, बहुत बढ़िया। पता नहीं भाई तुम्हें स्पीडोमीटर दिख रहा होगा सही से इसका या नहीं, पर हाँ जो भी रहेगा मैं एकदम क्लियर बता दूंगा। और भाई पिछले व्लॉग में मैंने बोला था कि माइलेज वगैरह इसका चेक करेंगे, मुझे उसके माइलेज में अब भी गड़बड़ लग रही है। और भाई 105 तो हम चले गए ऐसे ही आराम से ही, क्योंकि भाई मैंने इसी वजह से स्पीड ज़्यादा नहीं दी, क्योंकि मुझे पता है ना भाई इधर साइड में कट है, कोई भी निकल सकता है, और बाद में कंट्रोल नहीं होगी गाड़ी, तो यही सोचकर मैंने ज़्यादा स्पीड नहीं दी। तो अब देखते हैं, क्योंकि भाई अब कट वगैरह पास में कोई जल्दी से आया नहीं, अब हम ब्रिज पर हाईवे पर चढ़ेंगे फ्लाईओवर पर ऊपर। तो भाई चढ़ रखे हैं हाईवे पे 122। ओ भाई साहब 130 चलेंगे भाई, बस 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 भाई घर भी जाना है अभी। जिंदगी यार ऐसे बर्बाद थोड़ी करनी है, जितनी लिमिट है उतनी बस, क्योंकि भाई फ्लाईओवर पे से ऊपर से उतर रहे हैं, ब्रेक वगैरह नहीं बजेंगे बिल्कुल भी, चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूँ ब्रेक वगैरह कुछ काम नहीं आने के इसके। और चांसेस हैं कि कोई हादसा हो जाए, तो 130 की स्पीड यार बहुत है इस रोड के हिसाब से, क्योंकि अगर और बेहतरीन रोड होती तो मैं और भी मार देता इसकी स्पीड थोड़ी। बस रोड देखकर और अपनी हालत देखकर मैं नहीं मार रहा, हम तो कट मार देते हैं, बाद में पीछे वाला पता नहीं कितनी गाली देता है हमें। और यार यहाँ से पानी उड़ेगा अरे भाई, यार टेल टेडी हटाने का यही सबसे बड़ा नुकसान लगता है, पानी उड़ जाता है भाई। मैं जानने वाले हैं ना ये मेरी ऐसे ही मान लेते हैं मेरी, उन्हों से थोड़ी शर्म रखनी पड़ती है मुझे कि यार ये तो हार ही गया है। भैया ने एकदम ब्रेक बजा दी और मुझे दिक्कत होगी बाद में।
देखते हैं अब क्या सीन रहता है। फिलहाल तो बस यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा। और भाई इतना ज़्यादा रश मिलता है ना यहाँ, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। ज़्यादातर कम से कम मैं यहाँ 20 मिनट वेट करा भाई, मैंने 20 से 18 मिनट मैंने वेट करा तब मैं यहाँ से आगे को चला हूँ। और भी यहाँ इतना रश हो गया, मैं सोच रहा था बहुत प्यार से निकाल लूँगा, मेरा मन भी नहीं करा भाई सच में कि मैं ब्लॉक कर लूँ तो मैं अलग से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ऐसी हालत ख़राब हो रखी थी ना, इतनी धूप होगी मतलब सुबह सुबह इतनी धूप होगी और धूप में खड़े खड़े इतना वेट कर रहे थे और ये ट्रैफिक भी ऐसे से मार रहा था हमारी, तो कोई बात नहीं मिल जाएगी थोड़ी सी और क्या। जब से इतने रश में थे ना बहुत ज़्यादा और क्या, बढ़िया लीन मजरा भाई। तो भाई फर्स्ट गियर में दिखाऊँ कितनी जाएगी, फर्स्ट और सेकंड टेस्ट करेंगे बस। 48 पे लिमिट रहा भाई, इस पर आगा सिर्फ 67 पे भाई। पहले जो ना ठीक ठाक चली जाती थी, अब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, पता नहीं क्या सीन है, अन्य लिमिट नहीं आता था इसका। पहले मेरे ख्याल से 52 पर गई थी भाई, 52 पर जाकर लिमिटर तब आता था और उसके बाद भी एक दो की स्पीड और अचीव कर लेती थी। पर यार पता नहीं, अब पता नहीं क्या हो रखा गाड़ी को। वैसे तो मैंने बहुत मेहनत करी है भाई इसके लुक को थोड़ा सा इन्हेंस करने की, और भाई सच बता रहा हूँ ना, मैंने सच बता रहा हूँ बहुत टाइम इसमें लगा दिया इसमें धीरे धीरे मॉडिफाइड करने में। यकीन नहीं आता तो मेरी सबसे पुरानी वीडियो देखो, सबसे फर्स्ट वाली वीडियो, तब कैसी थी और अब कैसी होगी भाई। और ये मैंने जो है ना जो ग्रिप होती है पीछे की ये वाली ग्रिप है, इन्हें मैंने लेफ्ट को राइट कर दिया, राइट को लेफ्ट कर दिया, तो ये थोड़ी पीछे से उठी उठी लग रही है। पहले मुझे अच्छी लगती थी ये भी, अब तो मुझे ये भी ठीक नहीं लग रही कुछ खास। कहो तो मैं ना स्टॉक वाली रहती है ना वैसे ही कर दूँ भाई, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड, क्योंकि वरना ये ब्लॉग इतना लंबा हो जाएगा ना कि आपको मन भी नहीं करने का देखने का। तो गुड बाय, अगले ब्लॉग में मिलते हैं।